राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर भोपाल पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विरोध में उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सांसद दिग्विजय सिंह पर भोपाल पुलिस की कार्रवाई के विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि भोपाल में कोरोना आपदा में धरना प्रदर्शन और शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा समेत 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। जैसा कि देखा गया विगत दिनों में दिग्विजय सिंह जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया भोपाल के DIG के द्वारा, यहाँ पे आज की डेट में ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश और देश में कि जहाँ भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठती है या कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। आज तक आम कार्यकर्ताओं पर किया जा रहा था। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब वो एक जेनाइन लड़ाई के लिए लड़ने गए तो भोपाल के DIG के द्वारा जो उनके साथ व्यवहार किया गया वो बहुत ही अशोभनीय है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के विक्रांत भूरिया जी ने खुली चुनौती दी थी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को और पुलिस प्रशासन को कि कल पूरे प्रदेश में तुम्हारा पुतला जलाया जाएगा और तुम रोक सको तो रोक लो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।